उत्तर प्रदेश में पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि जी हाँ, जो पुलिस की तैयारी करे तो उनके लिए तो गुड न्यूज है। और ये 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगर हम पूरी बात करें तो ये जो विज्ञप्ति है वो पूरी आ चुकी है और आवेदन करने की जो तिथि थी वो भी जारी हो चुकी है, जहां पर कुल पदों की संख्या 60,244 पद है। जी हाँ, इसमें जो आवेदन करने की जो तिथि है वो भी आ चुकी है और आवेदन करने के लिए 27 दिसंबर से, जी हाँ, आने वाला 27 दिसंबर है, उस 27 दिसंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 16 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जबकि अगर पेमेंट की बात की जाए तो शुल्क जमा करने की, संशोधन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। माने अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे फॉर्म भरते समय नाम जो हाई स्कूल में दर्ज है, पिता का नाम, जन्मतिथि, उसमें हो सकता है संशोधन करने का मौका ना मिले, करेक्शन करने का मौका ना मिले। इसलिए फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ वही भरना है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और बाद में वेरिफिकेशन से उन्हें उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका हाई स्कूल में अलग नाम होगा, स्पेलिंग त्रुटि होगी इंटर में, ग्रेजुएशन कुछ और त्रुटि होगी, तो उनके लिए ध्यान देना है, उनके लिए भी हाई स्कूल वाला ही भरना है और जिसमें त्रुटि है उसका एफिडेविट लगा देना है। एफिडेविट मान्य होता है और कई बार आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी गलत हो जाता है, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, उसके लिए भी एफिडेविट आपको लग जाएगा, उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम जानते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उम्र सीमा में क्या छूट है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेने का, पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को, कि अंत तक बने रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे जानने की चीजें आपको मिलने वाली। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये विज्ञापन है, ये उपलब्ध हो चुका है। और अगर हम बात करें तो जो सामान्य अभ्यर्थी है, माने जनरल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 24,102 पद हैं, वहीं EWS की अगर हम बात करें तो 6,024 पोस्ट है। कितना है? 6,024 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 16,264 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और ST अभ्यर्थियों के लिए 1204 पोस्ट है। इस प्रकार कुल पदों की जो संख्या है वो 60,244 है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि पद से ज्यादा अब यहाँ पर जो ये अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी ये क्वालिफाई करके यहाँ पर भी जा सकते हैं, उनके अंक में अगर फाइट करेंगे तो वहां चले जाएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं, आप अपनी तैयारी पर फोकस करना है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। कई बार आता है क्या इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे? ऐसा नहीं है, इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, माने पद संख्या बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो घटता कम है प्रायः बढ़ता है, ये तो जान लीजिएगा। भर्ती के बिना कोई कारण बताए निरस्त हो सकती है, तो ये लाइन घबरा देने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी वो आपको मैंने ऊपर बता दिया, 27/12/2023 से आवेदन शुरू हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना, अगर आप कमेंट करेंगे मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना, ताकि किसी प्रकार कोई गलती ना होने पाए, मैं एक पुलिस का डेमो फॉर्म भरकर आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। और 16 जनवरी तक आपको लास्ट डेट तक फॉर्म भरना है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, अगर आपको लगना है तो बनवा लीजिएगा, अगर EWS नहीं तो EWS बनवा लीजिए, क्योंकि EWS एक साल के लिए वैलिड होता है। जिस तिथि तक फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक अगर एक साल से ज्यादा हो गया हो तो देख लीजिए, वैसे सर्टिफिकेट पे डेट लिखा होता है कब डेट के लिए डेट मान्य है। और निवास प्रमाण पत्र भी बनवा कर रखिएगा। आपके फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपया है, जो आवेदन करने का जो शुल्क है वो 400 रुपया ही है। अर्हता की बात की जाए तो ये जानते हैं, भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक हो माने वह उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। माने उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कोई भी नागरिक, माने उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर के राज्य के भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और तिब्बती शरणार्थी भी हो, भारत में स्थायी निवास अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 पर अगर भारत आया तो भी आवेदन कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर भी कई चीजें उसके बारे में है। चलिए अब टिप्पणी क्या है, जैसे अभ्यर्थियों को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह तो जारी किया गया हो, न देने से इंकार कर गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आप प्रमाण आप आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास कर लेते हैं और आपके पास कुछ प्रमाण पत्रों में थोड़ी सी कमी यदि कुछ त्रुटि आ जाती है, उसके लिए भी क्या भाई जो मैं एफिडेविट बताया। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग से मामला है कि ऐसे भी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो न ही देने से इंकार किया, मतलब उसके पास प्रमाण पत्र जारी न हो, देने से इंकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन वो प्रमाण पत्र बाद में जारी करेगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए, कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास भारत में 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 10वीं एवं 12वीं मतलब यूं समझ लीजिएगा 10+2, अगर वो 10+2 उत्तीर्ण है
ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो भी डिग्री है, हो सकता है कोई बीए हो, कोई बीएससी हो, कोई बीबीए हो, कोई बीकॉम हो, कोई एमकॉम हो, या कोई पीजी हो, या एमएससी हो, एमए हो, वो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इससे छोट कम डिग्री आपके लिए, अगर इससे कम आपकी योग्यता, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके समकक्ष भी डिग्री हो सकती है, जैसे कुछ लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो वो इंटर के समकक्ष मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या है, आवेदन पत्र पद से शैक्षिक अर्थता की यथार्थता, सुप्तता और समकक्षता के सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी को होगा। मतलब वो तो अभ्यर्थी का ही होना है। अधिमानी अर्हताएं, इसके अलावा कुछ अर्हताएं हैं, आप देख सकते हैं, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना की सेवा के हो, या राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या डोएक्स से सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल का उसके पास हो। अब आयु सीमा की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आयु सीमा जानना बहुत जरूरी है, और मैं आगे नीचे बताऊंगा कि आयु सीमा में किसे किसे छूट मिल रहा है। पहले तो जान लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, माने 1 जुलाई 2023 को पुरुष अभ्यर्थी कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह आयु 18 वर्ष की पूरी कर चुके हो, मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, और 22 वर्ष से ज्यादा उम्र न हो। 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो 2 जुलाई के पहले जन्म ले चुके हैं वो इस भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक जिनके इनके बीच में बर्थडे है हाई स्कूल की मार्कशीट पे, वो इस परीक्षा को फॉर्म भर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें आयु सीमा में छूट भी है, तो छूट के लिए मैं आगे नीचे बात करूंगा, इसमें उसका भी जिक्र किया गया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो 25 जुलाई को उसका जन्मतिथि हो, 25/7/2001, अब क्या वो इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएगा? बिल्कुल आवेदन कर पाएगा। कारण ये है, कह रहा है कि 2 जुलाई से पहले अगर 1 जुलाई भी है तो नहीं कर पाएगा। 2 जुलाई ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई हो, माने 2/7/2005 हो, यह व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर पाएगा। माने इससे पहले और इसके इसके बाद का होना चाहिए, माने 2 जुलाई के बाद का, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसी अन्य श्रेणियों अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे जो यूपी के निवासी हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रवृत्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होगा, उसके भी देख लेते हैं। क्षेत्र प्रमाण पत्र भी होगा आपको देना होता है, ठीक। और वैवाहिक स्थिति, मतलब वो उसके पास कोई जीवित एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए, और अगर महिला है तो जीवित एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आपको एक वो देना होता है, एफिडेविट भी देना होता है, उसके लिए भी है। शारीरिक की अगर दक्षता की बात की जाए, शारीरिक स्वच्छता की, तो यहाँ पर पेट भी होना है। भर्ती की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा जो प्रथम मतलब इस आधार पर होगी। लिखित परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा पर होगी। एग्जाम जो होगा वो रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम का मतलब क्या है, आप लोग कुछ लोग कहेंगे सर ये थ्योरी होगा, पीछे जैसा होगा क्या? नहीं, रिटर्न एग्जाम में भी क्या होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, माने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। या बहुविकल्पी प्रश्न भी कैसे होंगे, ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये थी कि ओटीआर होगा और फिर परीक्षा होगी सीबीटी पे होगी, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, ठीक। ऐसी परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मैंने आपको बताया एमसीक्यू प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि क्या होगी, 2 घंटे होगी। यहाँ पे अब मजे वाली बात यह है कि जो प्रैक्टिस करेंगे वही सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि समय कम है और प्रश्न आपको ज्यादा मिलने वाला है। अब देखिए, इनकी समाधि 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में 4 विषय होंगे, कितने विषय होंगे, 4 विषय। अब आप तो घबरा रहे होंगे, सर 4 विषय कैसे पढ़ना है? अब देखिए, सामान्य ज्ञान होगा पहला, माने पहला जो विषय हो गया सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, दूसरा क्या हो गया सामान्य हिंदी, जो आपकी भाषा होती है, तो सामान्य ज्ञान हो गया, और दूसरा हो गया आपके लिए सामान्य हिंदी। ये दोनों आपके लिए स्कोरिंग, हिंदी जो सबके लिए स्कोरिंग, हिंदी आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हिंदी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, अब संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में बात करें तो ये जो तीसरा पॉइंट है पूरी मैथ है, मतलब एक लाइन में कह सकते हैं गणित, ठीक है, ये गणित है।
गणित से जुड़ा हुआ रीजनिंग का टॉपिक हो हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैं बता दूं मेरे द्वारा ये क्लासेज आपके लिए निःशुल्क चलने वाली है। मानसिक अभिरुचियों बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, अब यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट हो गया। हाँ सर ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा, यह क्या कर रहा है, यह आपके लिए रीजनिंग है। तो जो पूरा पेपर है चार पार्ट में डिवाइड है, जो पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है हिंदी, तीसरा गणित समझ लेते हैं, चौथा रीजनिंग समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आपके आसानी हो जाए। अब सवाल उठता है स्कोर आपको सबसे ज्यादा कहां से होगा, तो सामान्य ज्ञान में आपको समय नहीं टूटेगा, अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता तो ठीक है, नहीं पता तो अगले प्रश्न पढ़िए। हिंदी और सामान्य ज्ञान में आपका समय कम लगेगा, लेकिन गणित और रीजनिंग में आपका टाइम टेकन है, ये टाइम आपका तोड़ेगा। इसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्कोर करने की सफल होने की संभावना उतना ज्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, जब निगेटिव मार्किंग होगी अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्न की संख्या होगी, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, जो प्रश्न की संख्या होगी प्रश्न होंगे 150। समय की अगर हम बात करें, अब आपको यहाँ पे लगेगा सर समय तो कम है, समय कितना है 120 मिनट, मतलब हम यूं कह सकते हैं 2 घंटा, माने एक प्रश्न के लिए आपको 60 सेकंड भी नहीं मिल रहा है। ठीक, कितना आपको 60 सेकंड भी नहीं मिल पा रहा है, अब 60 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है। तो अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। रीजनिंग और गणित के जो सवाल होते हैं वो 1 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे गणित के जो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो परीक्षा में आपको बेहतर स्कोर करने में काफी मदद करने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। अब देखिएगा कितने अंक हैं, 2 अंक देने की बात की जा रही है, लेकिन निमोनिक अनुसार उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधे अंक काट ले जाएंगे, माने 1/4 ऋणात्मक अंक है, माने नकारात्मक अंक है, नकारात्मक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब आपसे मन में आएगा सर निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 इसकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है, माने एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अगर अंक की बात करें तो 150 प्रश्न गुणे 2 = 300 अंक का पेपर होने वाला है। समय कम है तो जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। इसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, और आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, आप जाकर निशुल्क प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का परीक्षा में सवाल आने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट के लिए जो है सीरीज वो टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी भाग्य मत अभी आ गया, और सारी जानकारी आपके लिए है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे उम्र सीमा में किस प्रकार से छूट मिल रही है। आप टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करेंगे, मेरे द्वारा आपके लिए निःशुल्क क्लासेज मिलेंगे, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण हम आपके लिए गणित और जीएस की सीरीज लेकर आएंगे, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास होगी। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो गणित हमसे जरूर पढ़िएगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपकी इसकी पूरी निमोलिक पीडीएफ आपके पास भी ऑलरेडी होगी। परीक्षा ओएमआर पर होगी, परीक्षा किस पर होगी, ओएमआर पर होगी। अब ओएमआर पर होने के साथ एक और बड़ी बात समझ लीजिएगा, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में भी हो सकती है। तो ध्यान रहे ये भी बात है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो गई तो एक से अधिक पाली में भी ये परीक्षा कराई जा सकती है, 2 पाली 3, मतलब एक दिन में 2 पाली हो सकती है, अगर और ज्यादा हो गया तो 2 दिन में 4 पाली में भी परीक्षा कराई जा सकती है। इसलिए परीक्षा 2 से अधिक पाली में भी कराई जा सकती है। लिखित परीक्षा एक से अधिक पाली में अधिक दिनांकों में होने पर निम्न विभिन्न प्रश्नों के साथ संचालित कराया जाता है, ऐसी परीक्षाओं के लिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर एक से अधिक पाली में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। तो यहां से चीजें आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी, अब सब चीजें आप जानते हैं, फिर उसके बाद आपत्ति भी ली जा सकती है, आपत्ति का निराकरण करने के बाद फिर फाइनल उत्तर कुंजी जारी होगी, फिर उसी पर क्या होगा आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए पवन कुमार अग्रहरी बनाम लोक सेवा आयोग स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र का अनुरूप किया जाएगा, सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर पर निर्धारित अंक क्या होगा, तो ये आप लोग जान लीजिएगा। लिखित परीक्षा ओएमआर पर होगी, प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे और उसमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, तो आप ये भी तरीका जानते हैं, ओएमआर पर होगी और ओएमआर पर ही आपको प्रैक्टिस करना है, जहां पर 4 विकल्प भी होते हैं। ठीक, अब आगे आपको देखना है ये प्रतियां हैं जो आप एक ले जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लिखित परीक्षा के लिए
बाद अभिलेख की परीक्षा होगी। अभिलेख का मतलब क्या होगा, आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और आप स्वयं लेकर ही जाना होगा, कोई दूसरा तो ले नहीं जा सकता। आप जाएंगे, आपका थंब भी लिया जाएगा, आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड ले सकते हैं आपकी, ठीक। उसके बाद आपका जाति लगता है तो ठीक है, जनरल है तो कोई बात नहीं, अन्य का जाति लगेगा, निवास प्रमाण पत्र सभी के लगे, निवास आप लोग बनवा के रखेगा, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस बनवा के रखेगा, ठीक। उसके अलावा भी जो अभिलेख आप सबमिट करेंगे, जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में क्या है, रनिंग होती है और सीना होता है, और बोर्ड की वेबसाइट पर बाकी पदचित होगी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो ये भी आप जानते हैं कि ये पुलिस भर्ती है तो होना ही होना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद अन्य क्या होगी, अभिलेखों का परीक्षण होगा। अभिलेख में क्या क्या होगा, मैं एक बार यहाँ पे जो उनकी वेबसाइट पर है उसे मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। अभिलेख में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, पात्रता का मतलब जो पात्र है कि नहीं इस परीक्षा में या इस पद के लिए, आयु में शिथिलता, आयु के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी की लंबवत क्षैतिज के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखी प्रमाण पत्र, अनिवार्य और अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेख उन्हें प्रस्तुत करना होगा। फिर शारीरिक मानक जो परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसके संबंध बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचनाएं दी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें आपके पास होगी, अगर आपने कोई छल युक्त या कोई गलत दस्तावेज दिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। शारीरिक के लिए देखिए ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अब ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए, जो सामान्य है अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीमा ऊंचाई की 168 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, 168 सेमी, ध्यान से देखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। 168 सेमी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, ठीक। 168 सेमी से कम आपकी ऊंचाई हाइट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है, जो अनुसूचित एसटी अभ्यर्थी हैं। सीना की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर सीना फुलना भी चाहिए। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई की बात करें तो जो महिला सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 होनी चाहिए, ठीक। इन्हें 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना इसमें यह नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक। कितना वजन होना चाहिए, 40 किलोग्राम, ठीक। वजन 40 किलोग्राम से कम अगर कोई महिला तो आवेदन नहीं कर पाएगी, और कई लोग ऐसे होंगे जिनके मित्र जो होंगे 40 किलो से कम भी हो सकते हैं, तो अपना वेट करा लें और नहीं तो केला खा के जाएं। वो तो जानते हैं कि आप लोग इसकी क्या प्रक्रिया, आपके पास समय है, अपना वजन बढ़ा सकते हैं, ठीक। अभिलेखों की बाकी चीज तो आपको पता होगी जो क्या क्या चीजें थी, ठीक। अब आगे है शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता में ये भी ध्यान देना है कि शारीरिक दक्षता में क्या होगा, फिजिकल जो टेस्ट होना है इसमें अभिलेख के बाद सबसे पहले जो पुरुष के लिए, इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में हार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में लगानी है। माने 400 मीटर का चक्कर होता है, ग्राउंड होता है, उस 400 मीटर में मतलब 48 मतलब यूं कह सकते हैं 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ऐसे समझ के रखिएगा कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है और आपके पास समय कितना है, 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर जाना है, ठीक। और नहीं जा पाते तो नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे। माने आपको 400 मीटर ग्राउंड का 12 चक्कर लगाना होगा। कितना चक्कर, 12 चक्कर आपको लगाना होगा। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 2.4 लगभग मान सकते हैं 2.5 किलोमीटर है, लेकिन इनके लिए समय हो, इनके लिए जो समय होगा वो 14 मिनट होगा। इनके लिए समय कितना होगा, महिला अभ्यर्थी के लिए 14 मिनट, माने 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। उससे कम समय में ही आपको दौड़ को पूरी करनी है, ठीक। अब वे अभ्यर्थी जो बीच समय की भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, इससे तब चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आधारित की जाएगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, चयन और अंतिम सूची जो होती है, इन सब के बाद अंतिम चयन सूची आएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस पर आएगी। उसके बाद मानक आरक्षण सीमा में अब छूट की बात करते हैं। आयु सीमा में अब देखिए यहां पर अनुसूचित जाति, ठीक, 21% आरक्षण है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा कितना है,
पांच वर्ष की, आयु सीमा कितने वर्ष की है, पांच वर्ष की है, मैंने 22, 5, 27 साल के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो आवेदन कर पाएंगे। पांच वर्ष अनुसूचित जाति के लिए भी पांच वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी पांच वर्ष, आयु सीमा में कितना वर्ष है, पांच वर्ष की छूट है। अब ऊपर देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन इनके लिए भी आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए भी जो क्षेत्रीय आरक्षण रहेगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, माने जो केवल यूपी के अभ्यर्थी उन्हें केवल आयु सीमा में छूट मिलेगी, ऐसे छूट नहीं मिलेगी। देखिए मैंने ऊपर ही बताया, अगर ईडब्ल्यूएस ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाह रहे हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है, नहीं तो आपका आरक्षण मतलब जो आपका आरक्षण वो नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए ये तो आपके लिए हो गया। अब आता है सिलेबस की बारी। यह तब लोग के लिए प्रदेश के लिए विचार किया जाएगा महिलाओं के प्रदेश सेवा। देखिए महिलाओं के लिए छूट नहीं दिया उम्र सीमा में, क्या देखिए महिलाओं के लिए बहुत है कि महिलाओं के लिए छूट नहीं दिया गया है, वैसे पांच और सात महिलाओं के लिए छूट है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, शायद सामान्य महिला के लिए भी पांच वर्ष की छूट होती है, लेकिन अभी विज्ञापन में कहीं दिखा नहीं है, हो सकता कहीं हो। देखिए हाँ, देखिए भूतपूर्व सैनिक आयु में सेना में की गई अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए ये आपके लिए हो गया, एक्सर्विस मैन के लिए भी होगा, संता सेनामी के लिए होगा, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए हो गया, एक्सर्विसमैन के लिए। देखिए आरक्षण के लिए कुछ टिप्पणियां हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। यदि अनुसूचित जाति जनजाति कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष के साथ विवाह करती है, उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व अनुमय आरक्षण मिलता रहेगा। ठीक, यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जनजाति पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमय नहीं होगा, मतलब उसे वो सामान्य महिला ही मानी जाएगी। गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो जाता है, अतः यदि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो बच्चे को आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत अनुमय होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद का किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र सब लोग 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र ध्यान देने वाली बात है, प्रारूप 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद का किंतु इस भर्ती निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पहला काम भाग के जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए। अगर आपका 1 अप्रैल के बाद का जाति प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण दावे हेतु पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों को जो जाति प्रमाण पत्र में जो लाभ मिलेगा वो पिता पक्ष से मिलता है, इसलिए पिता के पक्ष से उन्हें जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। चलिए ये तो आपके लिए हो गया, इसके अलावा भी जो छोटे छोटे पॉइंट है उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। विकल्प ऑनलाइन भुगतान करना है, पेमेंट ऑनलाइन होगा, फॉर्म कैसे भरना उसके लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगा, फोटोग्राफ कैसे होगा, डिग्री लाकर के इसमें क्या उपयोगिता होनी है, ये सब आपको हम एक एक करके आवेदन करने के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक, और आवेदन पूर्ण होगा तभी माना जाएगा, जब तक नहीं उसके पहले वो पूर्ण नहीं है तो नहीं होगा। उसके अलावा कुछ अन्य निर्देश हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अब यहाँ देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, वैसे मैं सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ वैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे उस पर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो पूरा सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे सामान्य ज्ञान की बात करें, जो पहला पॉइंट है जीके का, तो वैसे अब यहाँ पे कितने कितने सवाल आएंगे ये तो फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसे आपके डेली क्लास के लिए भी टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है,
सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। तो यहां तक देख लीजिएगा जे जीके में कॉमन है इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आ जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत मानी यूपी स्पेशल आपके लिए है यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, तो ये आप भारत के भूगोल में भी पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय माने करंट अफेयर हो गया। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये आपको विविध मिलेगा। विमुद्रीकरण उसका प्रभाव ये भी विविध मिलेगा। साइबर क्राइम ये भी विविध पढ़ना है। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी ये भी आपको विविध पढ़ना है। देखिए जहां से गिने चुने प्रश्न आते हैं वस्तु सेवा कर से, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जीएसटी कब लागू, सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, सबसे पहले संवैधानिक रूप से किस राज्य में लागू हुआ, और जीएसटी कर कितने प्रकार का, तो सबसे छोटा स्लैब क्या, सबसे बड़ा स्लैब क्या, जीएसटी का कुल स्लैब क्या है। तो 5 से 7 प्रश्न इसके आते हैं, वही आपको रटना है। पुरस्कार और सम्मान ये विविध में आएगा। देश राजधानी मुद्रा ये भी विविध में आएगा। महत्वपूर्ण दिवस ये भी विविध में आएगा। अनुसंधान खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये ये सब जीएसजी के विविध का सिलेबस हो गया। इसके भी नोट्स इलानी पर दुर्गेश उपलब्ध है, जो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। नोट संबंध मेरे द्वारा सभी क्लासेस निशुल्क होंगी। देश हित में, राष्ट्रहित में, इन सभी की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये सारी क्लासेस आपको निशुल्क लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में जानते रहिए, व्याकरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भोतसम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, व्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और यहाँ पे भी हिंदी का विविध। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए है, इसलिए सामान्य हिंदी में सबसे अच्छा स्कोर करना, कोशिश करना सामान्य हिंदी में एक भी सवाल गलत ना हो, 1 से 2 गलत, उससे ज्यादा गलत ना होने पाए। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो ये भी आपके लिए इसमें है। संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तक है, अनुपात और समानुपात है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, समय और कार्य है, समय और दूरी है, सारणी ग्राफ का प्रयोग है, मेंसुरेशन है, और अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य है, और विविध है। उसके बाद रीजनिंग में काफी तार्किक कार्य है, संकेत संबंध है, शब्द रचना है, अक्षर और श्रृंखला है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, वर्णमाला, मानसिक समरूपता है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, अंतर्निहित भाव का निश्चय करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस सीरीज को मैं पूरा पढ़ा दूंगा, निःशुल्क होगी आपके लिए, लेकिन आप लोग क्लास में जुड़िएगा, ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, तो टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से आप जुड़ सकते हैं सभी लोग। उसके बाद क्या है, मानसिक अभिरुचि, वो गणित के लिए रीजनिंग थी, गणित से जुड़ा हुआ था, ये अलग से रीजनिंग का सेशन है जो आपके लिए हो सकता है, जिसमें आपके लिए निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, जनहित है, कानूनी शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन क्या होता है, अनुकूलन की क्षमता, और व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, और अल्प अधिकार वाले के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर बुद्धि लब्धि की बात करें आईक्यू में, तो संबंध, आंशिक समानता, आंशिक का चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग है इसमें, रक्त संबंध है, वर्णमाला आधारित प्रश्न है, समय क्रम है, और इसको भी हम एक अलग से विधिवत वीडियो बना के लाएंगे, वेन आरेख चार्ट सदृश है, गणितीय योग्यता परीक्षण है, क्रम में व्यवस्थित करना। अब तार्किक क्षमता भी आता है, समरूपता है, भिन्नता है, खाली स्थान को भरना है, समस्या को सुलझाना है, निर्णय करना है, दृश्य स्मृति है, विभेदन है, पर्यवेक्षण है, संबंध है, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क है, शब्द और आकृति वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, और अमूर्त विचार प्रतीकों और उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा, जहां पे पूरी कंप्लीट सिलेबस की हम एक वीडियो, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग करना जो है, ये नीचे के जो है टॉपिक, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, उसके लिए आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आप कर पाएंगे। वैसे स्कोरिंग सबसे ज्यादा हिंदी है, हिंदी को फोकस करिए। जीएसजी के क्या है, बहुत डीप में होता है, फिर भी पढ़ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत हल्के प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़नी है, आपको मेहनत करनी है, आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नोट संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी लोग, क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल सकती हैं, उनको भी आप लेकर आधार बनाकर कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमें पुलिस भर्ती जुड़े हुए मैंने सभी बातों को क्रमवार रूप से एक एक करके क्लियर कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। क्लास की जो टाइमिंग है सिलेबस के साथ वीडियो में बता देंगे, ताकि आप लोग भी हमारे साथ सेशन में जुड़े रहे और डेली क्लास को टाइम से टाइम पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद,
जय भारत।